साथ लाइव जुड़े हुए दिवाकर, हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो समीर वानखेड़े के पहले ससुर हैं, पूर्व ससुर हैं, उन्होंने कई सारे चौंकाने वाले दावे किए, साथ ही साथ उन्होंने समीर वानखेड़े के पिता का नाम दाऊद वानखेड़े ही बताया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यही सवाल तो नवाब मलिक उठा रहे हैं, लेकिन जो वानखेड़े परिवार है, कल भी उनके पिता से मेरी बातचीत हुई थी, उनके समीर वानखेड़े की जो दूसरी पत्नी क्रांति रेडिकर है उनसे भी बातचीत हुई थी। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जो ये शादी हुई थी पहली 2006 में, वो उनकी माँ की खुशी के लिए हुई थी, जिनका कि 2015 में देहांत हो चुका है। दूसरी अहम चीज़ इस पूरे मामले में कि वानखेड़े परिवार का कहना है कि वो जो वानखेड़े की माँ थी जो है, वो ज्ञानदेव वानखेड़े को अलग अलग नाम से प्यार से बुलाती थी, यही वजह होगी कि हो सकता है कि उसमें नाम ये लिखा गया हो दाऊद वानखेड़े। लेकिन उनके पिता का साफ तौर पर कहना था कि उन्हें उर्दू नहीं आती और इसलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उनका नाम दाऊद वहाँ पर कैसे लिखा गया, हालांकि उस निकाह नामे पर उनका सिग्नेचर भी है। तो ऐसे में सवाल जरूर हैं, लेकिन वानखेड़े समीर वानखेड़े से जब ये सवाल किया गया, आज जब वो दफ्तर पहुँचे थे तब भी यही सवाल उनसे किया गया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से झूठे हैं। यानी पूरी वानखेड़े फैमिली जो नवाब मलिक सवाल खड़े कर रहे हैं, या फिर जिसने निकाह कराया था उस काजी ने भी यही कहा था कि जिस वक्त ये निकाह हुआ था उस दौरान जो है जो वानखेड़े फैमिली है वो मुस्लिम उन्होंने अपने आप को बताया था। कल जब क्रांति रेडकर से इस पूरे मामले में सवाल किया गया, उन्होंने ये कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो है जो सर्टिफिकेट बना था, जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसमें उस काजी का भी दस्तखत है, तो काजी जो है ऐसे कैसे कर सकता है, उसे जानकारी नहीं थी। आपके पास वापस लौटते हैं। देखिए, इस वक्त आशीष सिंह की एक और खबर सामने आ रही है जिसमें ये बताया है क्रूज जग मामले में महाराष्ट्र के जलगांव में मनीष लीलाधार भांगड़े नाम के एक शख्स ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर कई चौंकाने वाले जो खुलासे किए हैं, ये जो खबर है न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की है। खबर ये है कि जलगांव में एक कंप्यूटर इंजीनियर चलाने वाले मनीष लीलाधार ने दावा किया है कि 6 अक्टूबर की रात करीब 10 से 10:30 बजे उनके पास आलोक जैन और शैलेश चौधरी नाम के दो शख्स आके मिलने आए थे, जिसने पहला काम और उन्होंने उन्हें 3 काम दिए थे, जिसमें से पहला काम था कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकालना, साथ ही साथ दूसरा काम उनका ये था कि व्हाट्सएप चैट को बदलकर ऐसा बनाए जैसे कि वो चाहते थे, और तीसरा काम था कि गवाह प्रभाकर साइन के नाम से एक फर्जी जो है कार्रवाई। न्यूज 18 से बातचीत में मनीष लीलाधार ने ये भी बताया कि इस काम के लिए 5 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। तो ये जो पूरा मामला है उसमें कई सारी चीजें सामने हो आ रही है कि ये जो पूरा जलगांव का मामला है उसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से पूजा डडलानी के चार्ज जो कॉल रिकॉर्ड है वो सामने लाना है, व्हाट्सएप चैट्स को कैसे बदलना है। तो आशीष सिंह ने कि ये एक्सक्लूसिव खबर है जो न्यूज 18 पर सामने आई है। हम आपको बता दें कि लगातार जो है शाहरुख खान और पूजा डडलानी का नाम लगातार सामने आ रहा है इस पूरे मामले में। मुझे 6 अक्टूबर को 2 जन मिलने आए थे, एक का नाम था आलोक जैन और दूसरे का नाम था शैलेश चौधरी, और इन्होंने मुझे 3 काम बोले कि आपसे हमें 3 काम करवाने हैं। पहला जो काम था कि कुछ उनके पास नंबर्स थे जिनकी उनको CDR चाहिए था, और वो नंबर्स उन्होंने मुझे दिखाए जिसमें से एक नंबर जो था वो पूजा डडलानी नाम से सेव था। अच्छा, हाँ। और उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरा काम दिए, मतलब बताया कि उनके पास एक व्हाट्सएप चैट की बैकअप था, ओके, उसको वो मॉडिफाई करना चाहते थे। मॉडिफाई मतलब उसके अंदर कुछ एडिट करना वो चाहते थे। ओके, उसमें एडिटिंग, हाँ। मतलब फेक व्हाट्सएप बनाना। हाँ। तो वो एडिट करने में मतलब वो जो फाइल थे व्हाट्सएप चैट की, तो वो आर्यन खान चेक इस नाम से उनके पास सेव थी। ओके, हाँ। और तीसरा काम उनका ये था कि प्रभाकर सैल, हाँ। इस नाम से उनको सिम कार्ड चाहिए था, मतलब फर्जी सिम कार्ड। हाँ, डॉक्यूमेंट। तो ये तीनों काम के लिए उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए ऑफर किए। ओके, और जिसमें से उन्होंने मेरे को 10,000 रुपए जबरदस्ती मेरे हाथ में उन्होंने रखे। ओके,
और उसके बाद मैं अभी देख रहा था, मतलब अभी ये दो दिन से ही प्रभाकर सिंह नाम सामने आया। तब तो प्रभाकर सिंह मतलब कोई जानता भी नहीं था। हाँ, तो फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं प्रभाकर सिंह के मतलब जान को खतरा है, क्योंकि अगर ये काम मैंने नहीं किया तो ये जरूरी नहीं कि उन्होंने दूसरे के पास वो अप्रोच नहीं हुए रहेंगे। ओके। देखिए, जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े हैं, उनकी मुसीबत जो है बिल्कुल भी कम नजर होती नहीं आ रही। दिल्ली से जो 5 लोगों की विजिलेंस टीम जो है मुंबई पहुंची है, उन्होंने कल भी समीर वानखड़े से 4 घंटों की जो है पूछताछ की है। वहीं ये अब सामने आ रहा है कि हो सकता है आज भी समीर वानखड़े को वापस बुलाया जाए और उनसे जो है काफी पूछताछ की जाए। हम आपको ये भी बता दें कि समीर वानखड़े के साथ कल और 2 लोगों से जो है पूछताछ की है, जिसके बाद जो पूछताछ है पूरी की पूरी 4 घंटों तक लंबी पूछताछ जो है लगातार जो है दिल्ली से आई एनसीबी की टीम ने की है। आज वापस ये बात सामने आ रही है कि जो समीर वानखड़े हैं उनकी मुसीबत जो है कहीं से भी कम होती नजर नहीं आ रही है। आज भी हो सकता है दिल्ली से जो टीम आई है वो समीर वानखड़े को एक बार फिर जो है पूछताछ के लिए बुलाए, साथ ही साथ समीर वानखड़े के साथ और भी कई सारे लोगों की जो है पूछताछ हो सकती है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, जो पूरा मामला है, प्रभाकर ने एक एफिडेविट जारी किया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर समीर वानखड़े को भी पैसों के लेन देन के मामले में कई सारी बातें कही थी, 25 करोड़ की बात कही थी, जिसमें से ये उन्होंने कहा था कि उन्होंने किसी को बात करते हुए सुना और उन्होंने ये कहा कि वो जो 25 करोड़ रुपए हैं उसमें से 8 करोड़ रुपए जो है समीर वानखड़े को मिलने, लगातार दिवाकर हमसे मिल रहे हैं। तो लगातार दिवाकर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज किस तरीके से ये जो पूछताछ है वो दिल्ली की टीम समीर वानखड़े से कर सकती है और क्या सारी अपडेट जो है वो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। देखिए सर, आपको बताना चाहेंगे कि समीर वानखेड़े पूरे ड्रग केस के जो क्रूज ड्रग केस है उसके आईओ हैं, मौजूदा समय में भी वो आईओ हैं। अभी तक इस केस से उन्हें हटाया नहीं गया है, लेकिन जिस तरह से उनकी जांच चल रही है, कल भी 4 घंटे पूछताछ हुई थी और जो DDG हैं, जो विजिलेंस टीम के चीफ हैं ज्ञानेश्वर सिंह, उन्होंने कहा था कि आज के दिन अगर जरूरत हुई तो वानखेड़े को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन कल जो पूछताछ हुई थी उसमें 60 पेज में उनके बयान दर्ज किए गए हैं, जो दिल्ली की टीम आई है उसने ये दर्ज किए हैं। इसके अलावा जो क्रूज ड्रग्स मामला है उसके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है, जो अब तक की जांच हुई है उसकी जो रिपोर्ट है वो दिल्ली की टीम को वानखेड़े ने सौंप दी है। इसका भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा था। लेकिन इस मामले में जब समीर की वाइफ पत्नी क्रांति रेडकर से मैंने सवाल किया था कल की जो टीम आ रही है उस जांच को लेकर आप क्या सोचती हैं, तो उनका कहना था कि इस जांच से समीर वानखेड़े बहुत खुश हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इस जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको याद होगा जब ये पूरा मामला सामने आया था एक्सटॉर्शन का, तब जो है समीर वानखेड़े उसके दूसरे दिन ही जो है दिल्ली गए थे, एक दिन वो दिल्ली में थे और कल जो है वो वापस लौटे हैं दिल्ली से। तो ऐसे में ये देखना अहम है, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच फिलहाल कहें तो रुकी हुई है, क्योंकि जिस तरह से एनसीबी विवादों में आई है उसके चलते इस मामले की जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो ऐसे में देखना अहम होगा कि किस तरह से समीर वानखेड़े को दोबारा पूछताछ के लिए दिल्ली एनसीबी की जो टीम आई हुई है विजिलेंस की वो बुलाती है। और साथ ही साथ जो जानकारी मिल रही है कि जो मुंबई एनसीबी के दफ्तर में कुछ और अधिकारी काम करते हैं उनके भी बयान इस पूरे मामले में दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि सिर्फ समीर वानखेड़े उस टीम में मौजूद नहीं थे जब इस टीम ने रेड की थी, बल्कि मुंबई एनसीबी के कई बड़े जो अधिकारी हैं वो भी।